नमस्कार, मैं रिधम पल पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं कि जो कोरोना वायरस 6 महीनों से चलता आ रहा है और वैज्ञानिकों का ये कहना था कि वो कोरोना वायरस गर्मियों में आकर खत्म हो जाएगा, जिस तरह से और वायरस गर्मियों में आकर खत्म हो जाते हैं। जैसे हमारे भारत में 6 ऋतु आती है, तो हर एक ऋतु में कोई ना कोई एक ऐसा इन्फेक्शन होता है वो बढ़ता रहता है। और इसी तरह वैज्ञानिकों को ये था कि कोरोना वायरस का भी कोई ना कोई एक ऐसा ऋतु होगी जो जिस टाइम पे आकर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। उनका ये कहना था कि गर्मियों में आकर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे कि मौसम चेंज हुआ है, तो एक तो जो है कि वायरसेस आ रहे हैं, जैसे कोल्ड कफ, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है और हर एक इंसान को ये हो रहा है। तो इससे एक इंसान को ये भी डर लग रहा है कि कहीं कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है, पर जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनमें कई बार सांस की दिक्कत भी आ जाती है सर्दियों को लेकर। पर अब जो है कि उनमें ये भी डर है कि बुजुर्ग को अगर सांस की दिक्कत है तो कहीं कोरोना तो नहीं हो चुका है। तो इसलिए इन सर्दियों कोरोना के चलते इन सर्दियों खतरा और भी बढ़ गया है। पहले भी सर्दियों के कारण मौतें होती थी, अब जो है कि कोरोना वायरस के कारण भी मौतें हो रही थी, और अब हो सकता है कोरोना वायरस और सर्दियां इकट्ठी आ रही हैं, तो हो सकता है मौतें और भी ज्यादा हो। इसलिए हमें सावधानी बरतनी जरूरी है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती। हो सकता है वैक्सीन आने के बाद ये जो समस्या है उसका हल हो जाए और दिन ब दिन कोरोना के वायरस के केसेस जो है घटते चले जाए। पर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं जहां पे पहले 90,000 तक कोरोना के केस आ रहे थे, अब उसकी संख्या कम हो चुकी है, पर हाँ अभी भी खतरा उतना ही है। और वैज्ञानिकों का ये कहना भी है कि हाँ कोरोना वायरस अब चल रहा है और सर्दियों में ये और बढ़ सकता है, ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही कहना है। पर कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हाँ कोरोना वायरस इस सर्दियों खत्म भी हो सकता है, पर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है कि ये बढ़ेगा या कम होगा। तो इसलिए हमें अपना इन सर्दियों बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपनी सेफ्टी, बूढ़े और बुजुर्ग जो है उन्हें सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस उनको सबसे जल्दी पकड़ता है और उन्हें इन बूढ़े होने के बाद बीमारियां भी कुछ ना कुछ होती हैं, तो उन्हें अपनी सेफ्टी रखनी बहुत जरूरी है। तो वो हर टाइम मास्क और सैनिटाइजर अपने पास रखें, कहीं बाहर जाना है तो मास्क का प्रयोग करें, जरूर करें, उसके बिना बाहर ना जाए, और हो सके तो उतना ही घर से बाहर जाए जितना कि उन्हें जरूरत है, जितना हो सके अपने घर पर ही रहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता है कि इस इंसान से किसको हो जाए, ये एक से एक को होता ही चला जाता है। तो इसलिए हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, कोई भी हमारा ध्यान नहीं रख सकता है, और ना ही इसकी कोई दवाई है जिससे हम ठीक हो सके। तो इसलिए अपना बचाव करें, हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाकर वहां से बचें। जैसे कि दिल्ली में कोरोना वायरस फिर से ज्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है और दिल्ली सरकार ने कुछ रूल्स भी अप्लाई कर दिए, जहां पर ₹500 मास्क ना लगाने का जमाना था अब 2,000 हो चुका है, और जहां शादियों में 200 लोगों की परमिशन मिल चुकी थी अब वो घटकर 50 लोगों पर आ चुकी है। तो इसलिए यहाँ से पता लगता है कि अब कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और दिल्ली सरकार फिर से कोई ना कोई एक्शन ले रही है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें जहां पर हम जाने से रह सकते हैं। हाँ हाँ, कहीं हमें जरूरी है जाना तो वहां पर हम जाए, बट जहां पर हमारे जाए बिना असर रही है तो वहां पर हम ना जाए। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, हर टाइम अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखें, मास्क हमेशा लगा कर रखें और सैनिटाइजर अपने पास रखें, और समय समय पर उसका प्रयोग करते रहें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बच कर रहें। धन्यवाद।